कर्मचारी ने पीटे, किसानी ने पीटे, चौकीदारी ने पीटे और सरपंच ने पीटे, छोड़ा कौन इन। अब तो बारिश नहीं है, बारिश में गोड़ा गोड़ा पानी हो जाता, जाने आने का रास्ता नहीं है, लोगों के घर डूबे पड़े हैं। लेकिन ये बता रहे हैं, मैं जब दूसरी जगह जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है राय में, जो कृष्ण गहलावत है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। ना तो उन्होंने लोगों के बीच में आके किसी का हालचाल या किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं, कभी गांव लोगों के बीच में नहीं आए, ना ही लोगों से अच्छी तरह से उनका व्यवहार रहा। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी ने तो ताबड़तोड़ काम किए हैं यहाँ। नहीं, हमारे गांव में आप भी देख सकते हो भाई, रोडों पे या नाले वाले की सुविधा, पानी की सुविधा, कोई भी ऐसी सुविधा है नहीं। और जो गलियों की बात है, वो जो पहले से बनी हुई है वो बनी हुई है। पूरा भी होगा, टाइम तो दो, तुम बीच में पहले सरकार ने हटा दोगे तो कितने होंगे काम। 10 साल में बीजेपी ने काम किए हैं, हम भाई की बात करते हैं, आज तक हमारे गांव में पानी की निकासी है कहीं। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, आज हम मौजूद है राय विधानसभा क्षेत्र के मल्ला माजरा गांव में। आपको बता दें 2014 का चुनाव यहाँ दिलचस्प रहा था, मैं 3 वोटों से जयतीर दैया कांग्रेस की तरफ से विजयी हुए थे। उसके बाद 2019 की बातचीत करें तो यहाँ से मोहनलाल बड़ोली जीते थे बीजेपी की तरफ से, और वो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। अब की बार भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है यहाँ कृष्णा गहलोत और जय भगवान अंतिल के बीच में, और अब की बार पूछते हैं यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है भाई? कुलदीप नाम है भाई। कुलदीप नाम है। ब्लॉक समिति मेंबर हूँ भाई। अच्छा, ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, तो फिर तो आपको बहुत सारी चीजें पता होगी भाई। जितना पता उतना तो बताऊंगी जरूर। तो जो ऊपर से योजना आती है, मेरा सबसे पहले सवाल है, क्या वो नीचे तक पहुँच पाती है आपके थ्रू, चाहे गली बनना हो, चाहे नलके वगैरह लगना हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। भाई सरकार की ओर से जो जो योजना आई है उस योजना के हिसाब से गांव में काम हुए हैं, चाहे गली बननी है, जोड़ की सफाई है, ओपन जिम लगने हैं, और भाई थोड़ा शमशान घाट का भी काम हुआ है, और भाई गांव में शिवालय भी रिपेयरिंग का काम हुआ है, तो ये सब काम हुए हैं गांव में। तो बीजेपी के जो 10 साल रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं भाई? बीजेपी सरकार के जो काम रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। बीजेपी सरकार से जो कैंडिडेट थे मोहन जी, उनकी ओर से थोड़ी ही चूक रही है। वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने काम नहीं करवाया। हाँ, ना तो उन्होंने लोगों के बीच में आके किसी का हालचाल या किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं, कभी गांव लोगों के बीच में नहीं आए, ना ही लोगों से अच्छी तरह से उनका व्यवहार रहा है। तो अब की बार जो कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से यहाँ, अब की बार कृष्णा गहलावत जी हैं, उनका नेचर अच्छा है। 2014 में वो चेयरमैन थी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने गांव से गांव जोड़ने के जो रोड हैं वो उनके अंडर में आते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से वो सारे के सारे रोड बनवाए हैं। ये बताते हैं कि करीबन 1,70,00,000 की जो ग्रांट थी रोड जोड़ने की, वो उन्होंने अपने पास से दी थी। तो और कांग्रेस की तरफ से जो है कैंडिडेट है जय भगवान अंतिल जी का जो है गांव, वो जो शुरू से ही भाई अपने इलेक्शन को तैयार कर रखा था, वो गांव में चाहे धान निकालने की मशीन है, आटा चक्की है, बस की सुविधा है लड़कियों के लिए और कहीं तीर्थ स्थान पे जाने के लिए, तो उन्होंने तो 5 साल का अपना सेट कर रखा था कि मेरे को तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। तो कैसे बीजेपी की ओर से मैडम को ये नहीं था कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बीच में 5 साल मोहन जी पे सारा काम छोड़ दिया था, और मोहन जी ने ही फिर मैडम की छवि को थोड़ा खराब किया। तो क्या लग रहा है आपकी बार राय में कौन सा कैंडिडेट, बीजेपी या कांग्रेस? भाई देखो, मैडम का नेचर जो देखिए, और उन्होंने जो अपने पास से गांव टू गांव जोड़ने के जो सुविधाएं की, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, खेतों में जो रास्ते थे बारिश के टाइम पे वहाँ पे कुछ भी जाने का समाधान नहीं था, वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और कुछ भी ना होते हुए खाली चेयरमैन थी तब भी उन्होंने ये काम किए हैं, तो मैडम की तरफ शुरू से झुकाव लोगों का अच्छा है। तो आप कह रहे हैं अब की बार बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेगी? बीजेपी का ही दौर है भैया, बीजेपी का ही दौर। हाँ, बीजेपी निकालेगी। तो क्या नाम है भाई साहब अपना? भाई मेरा नाम है अंकित दैया। अंकित दैया, हाँ जी। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी ने तो ताबड़तोड़ काम किए हैं यहाँ। नहीं, हमारे गांव में आप भी देख सकते हो भाई, रोडों पे या नाले वाले की सुविधा, पानी की सुविधा, कोई भी ऐसी सुविधा है नहीं। और जो गलियों की बात है, वो जो पहले से बनी हुई है वो बनी हुई है। बीजेपी की तरफ से यहाँ कोई गली वली का, कोई गांव का कोई काम नहीं, वरना लाइटिंग का कोई सिस्टम है
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। ये आपके सामने कह रहे हैं? ग्रांट बोलती है, ग्रांट जो मिलती है सरकार से, जो जोहड़ गांव के बीच में था, 100 साल हो गए मेरे ख्याल से, 100 से ऊपर ही हो गए हों, उस जोड़ की आज तक सफाई नहीं हुई थी। उसकी सफाई करवाई, उसकी चार दीवारी करवाई, अब जाके देखो जोड़ का पानी कहाँ गया। और पहले थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ तक रोड तक पानी आ जाता था, ना बच्चे निकल पाते थे स्कूल के, ना कर्मचारी निकल पाते थे गाँव से जो नौकरी करने जाते हैं, ना ही महिलाएँ निकल पाती थी। उसकी सुविधा को देखते हुए इनसे पूछो कि वो सुविधा हुई नहीं हुई? तो हाँ, जोड़ की सफाई हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, वो हाफ ही है अभी भी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ उन्होंने जोड़ वगैरह की अधूरा है, वो अभी भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, और गली वली का तो कोई भी गली, अरे वो पूरा भी होगा, टाइम तो दो तुम, बीच में पहले सरकार ने हटा दोगे तो कितने होंगे काम? तो क्या भाई साहब, आप वाल्मीकि मोहल्ले में जाके देखो, अब तो बारिश नहीं है, बारिश में गोड़ा गोड़ा पानी हो जाता, जाने आने का रास्ता नहीं है, लोगों के घर डूबे पड़े हैं। जोड़ की ऐसी सफाई हुई है, आपको भी मौका दे, वाल्मीकि जाके रीजन वाल्मीकि के घरों में पानी घुस जाता है, ऐसी सफाई हुई है, वहां जाने का आने का रास्ता नहीं है, बारिश में हो जाती है तो है। वो किश्ती का सारा लेना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ जाती है। ये तो कह रहे कि 10 साल में बीजेपी ने, बिल्कुल 10 साल में हमारे ये रोड देख लो हमारे, अच्छा 10 साल में बीजेपी ने काम किए हैं, हम भाई की बात करते हैं, आज तक हमारे गाँव में पानी की निकासी है कहीं? 10 साल में पानी की निकासी नहीं होगी। स्टेडियम है, स्टेडियम देशे कम पड़ा है, बच्चों के लिए बड़ी नहीं लिया, छतेरा अगला गांव छतेरा हमारे से बहुत छोटा गांव है, उसमें हर डाल की सुविधा है, हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। तो आप कह रहे कि बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे कहीं नहीं जाते, छतेरे में दूसरे गाँव में, छतेरे के स्टेडियम में जाते हैं हॉकी खेलने भी, बच्चे हॉकी खेलने या क्रिकेट खेलने, जो भी खेल, छतेरे गाँव छोटा सा गाँव है, प्रधान की हिम्मत है उसकी, उसने कोशिक के टाइम पे करवा दिया था, कोशिक था जब उसका खास था, वो उसने वो भी करा दिया, स्टेडियम भी बनवा दिया, डांगरा का अस्पताल भी बन गया, बैंक भी बैंक हो गया, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं। हमारे गांव में ना तो बैंक की सुविधा है, ना कोई जानवरों के डॉक्टर की सुविधा है, और ना ही कोई बच्चों के लिए कि भाई आगे बढ़ सके इसके लिए कोई सुविधा है, ना पानी की निकासी वगैरह है, कोई भी हमारे हिसाब से तो कोई काम हुआ नहीं। तो एक जोड़ की जो ये कह रहे हैं, जो भी बता के गए हैं अभी आपको, एक जोड़ साफ करने से विकास नहीं होता है, वो भी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा, बीजेपी ने दावा किया है कि हमने बिना पर्ची खर्ची बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया हमने। नहीं नहीं, नहीं कोई रोजगार नहीं है, आप भी सर्वे करते हो, घूमते हो, सभी देखते हो, ऐसी कोई नहीं है कि भाई बेरोजगार बच्चे बहुत घूम रहे हैं, ना कोई नौकरी की ऐसी सुविधा है कि भाई बच्चों को नौकरी ही मिली हो। गांव से भी सर्वे करवा सकते हैं कि इनके प्लान में कितने बच्चे नौकरी पर लगे हैं। अच्छा, यहाँ ना पहले कांग्रेस के विधायक थे जयदीप दलिया, पिछली बार 2019 में बीजेपी से विधायक थे, तो अगर आप दोनों से बातचीत करें, हम दोनों को कार्यकाल देखिए, तो आपको क्या लगता है कि दोनों सरकारों ने काम नहीं किए, या बीजेपी में कम हुए या कांग्रेस में कम हुए? देखो भैया, पिछली तो मेरे को पिछला तो इतना है नहीं, मैं गाँव यहाँ नहीं रहता था। फलाल जो थे, जो बनाचिल है, इसने बना बने इतने काम कर रखे लोगों की, चक्की फ्री में, चक्की सेवा चला रखी है फ्री में, धान पी कर निकालने की मशीन चला रखी है, बस सेवा इतनी कर रखी है, जो लड़कियाँ कोई भी साधन नहीं था किसी भी प्रकार का, सोनीपत जाने की हमारा कोई साधन नहीं है, यहाँ बस नहीं चलती, उसने स्पेशल लड़कियों के लिए बस चला दी, तीर्थ स्थानों के लिए, हर एक तीर्थ स्थान के लिए बस चला रखी है, कोई भी फोन मारो 15-20 इकट्ठे होके और बस अपने जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थ स्थान पे ले जाओ। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, पिछले कुछ इलेक्शन में हम देखे कि जो कैंडिडेट होते हैं वो पैसा लगा देते हैं चुनाव से पहले, फिर बाद में जब 5 साल वो रहते हैं तो उस समय वो कुछ काम नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरा तरीका ही है कि सरकार जिसकी भी है, वो जो सरकार का पैसा जो टैक्स से इकट्ठा होता है, एक तो वो पैसा लगाए, तो इन दोनों चीज़ों में से आपको कौन सी बेहतर? भैया ये नहीं, देख हमारे को नहीं पता, फिलहाल कैंडिडेट की पोजीशन देखी जाती है, कौन क्या कर रहा है, फिलहाल जय गुवाहाटी बहुत कुछ कर रहा है। तो राई में आपको बीजेपी और कांग्रेस में से किस? कांग्रेस। तो ये बता रहे, जब मैं बाकी जगह बात कर रहा हूँ तो कह रहे कि मुकाबला टफ है, हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन में? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के लिए जीता राई हल्के से। तो राई हल्के से आप कांग्रेस को एज दे रहे हो? जी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है ताऊ जी आपका? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह, तो आपको क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में? वो भैया ने बता दिया,
वो तो कांग्रेस की कह रहे हैं, आपके अलग हिस्से तो यहाँ यहाँ एक तरफ ही माहौल कांग्रेस का है। लेकिन ये बता रहे हैं, मैं जब दूसरी जगह जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है राय में, जो कृष्ण गहलावत है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। ऐसा है, गहलावत डूबता जहाज है, डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता। मतलब आप कह रहे कि सरकार जा रही है, तो जो जा रही है बिल्कुल एक मैसेज है लोगों में कि जो कांग्रेस की सरकार आ रही है इस वजह से आप ये कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का धरातल पर को काम है ही नहीं। कौन बख्शा इन ने, कर्मचारी इन ने पीटे, किसान इन ने पीटे, चौकीदार इन ने पीटे और सरपंच इन ने पीटे, छोड़ा कौन इनने बताइए? धरातल पर कहीं काम दिख रहा है इनका? को कोई काम नहीं। ये तो कह रहे हैं हमने किसानों को 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया, दे दिया कहाँ रेट फिक्स आज तक तय नहीं होया। 13 महीने किसान ठंड में बारिश में गर्मी में वहाँ बैठे रहे। जो राई का यही आंदोलन चला हुआ चला हुआ था, जब कहाँ थी ये किसान, ये सरकार? एक बार बोला मेरे से गलती होगी, मतलब हमारे हरियाणा के अंदर कवाओ तक काट की हांडी एक ही बार चढ़ती, दोबारा नहीं चढ़ती है। काट की हांडी में कोई सौदा पकाना है, एक बार पकेगा दोबारा नहीं पकता। इससे झूठा प्रधानमंत्री 65 साल के हो चुके हैं, इससे झूठा प्रधानमंत्री हमने देश में देखा नहीं। और हरियाणा में जो मुख्यमंत्री अभी नायब सिंह सैनी, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे। सुनिए, मनोहर लाल खट्टर ने क्या कराया बताइए? कोई भी धरातल पर एक 5 काम गिना दो इनके, है को 5 काम इनके? आप पत्रकार महोदय है तो 5 काम आप गिना दीजिए। ये तो कह रहे हमने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी। कौन सी नौकरी? एक बात बताइए, जो बच्चा भी MSc है और 4th क्लास की नौकरी, उसको टेस्ट क्या माने रखता बताइए? डी ग्रुप में जो बच्चा लगता है वो डी वाले बच्चे भी अप्लाई। सुनिए, डी ग्रुप में बच्चे का 5वीं पास बच्चे का हक है और वो दे रखे MSc वाला, तो उसके लिए वो टेस्ट क्या है बताइए? तो कुछ भी नहीं है बस। तो फिर ये काम करिए, 5वीं पास बच्चे का हक है, उस पर वो हक खा लिया 5वीं पास बच्चे का। और जिन बच्चे के लिए काबिलियत के आधार पर कौन सी नौकरी दी है इनने बताओ? अगर भाई MSc बालक का जो टेस्ट होना चाहिए वो डी ग्रुप में बच्चा भर रहा, मजबूरी है उसकी। आप कह रहे बेरोजगार ये इसलिए एडजस्ट हो रहा है। एक बात बताइए, यहाँ DC रेट क्या है? आप पत्रकार महोदय है, कहीं 17-18 इस तरीके इतना ही चलता है। क्या DC रेट मिल रहा है बच्चे को? बहुत जगह नहीं मिलता बस। तो फिर तो काम भी, कोई भी धरातल पर 5 काम इनके गिना दे तो इनकी सरकार आ सकती। 5 काम भी धरातल पर नहीं कर रखे इन्हें, तो जो ये वादे करते हैं चुनाव से पहले आप सब झूठे। इन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रोहतक से घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा आए हुए, तो उन्होंने कहा, और बाद में नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि हमने 100% काम किया जो 2014 में और 19 में हमने वायदे किए थे लोगों से। अच्छा, कौन सा किया बताओ? ये कहते हमने किसानों का, आप बताओगे? आप धरातल पे ये कह रहा किसानों के कर्जे माफ कर दिए, कौन सा? किसी के पास खाते में 5 पैसे आए? जिनके किसानों के इसमें ओलावृष्टि में खुद उसमें मैं भी शामिल हूँ, एक डोले के साथ है उसको मुआवजा दे दिया, दूसरा जो लेगा उसको कोई मुआवजा नहीं। ये सब झूठ बोलते हैं और कोई काम नहीं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं ये बस, और कोई काम नहीं। तो अब की बार क्या लग रहा है राय में? अब की बार बदलाव है, बदलाव पूरा, बदलाव पूर्ण बदलाव है। तो बहुमत से सरकार कह रहे हो आप? हाँ, बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी कांग्रेस की। ठीक है, नमस्कार।